हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। वह कौन है? ये है डेरिडा, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इन्होंने भाषा के स्थान पर लेखन यानी कि राइटिंग पर ज़्यादा जोर दिया है, और वे मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। प्रहृत्य आख्या के लोगों केंद्रित निर्माण के प्रत्याग को कहा जाता है, इसको कहते हैं वी संबंधन, जो डेरिडा जी ने बताया था। अब लोगों केंद्रित का मतलब क्या था? लोगों केंद्रित का मतलब होता है चिंतन का एक ऐसा तरीका जो सत्य को सार्वभौमिक तर्क वाक्य पर लागू करता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुंदर है, इन्हें उद्घाटित करने हेतु विचारों की एक सार्वभौमिक प्रणाली की खोज ही लोगों केंद्रित है। ठीक, आगे बढ़। भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कपरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? पीएस गुहा के द्वारा किया गया था। इन्होंने भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कानुपरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकृत और वर्गीकरण करने का कार्य किया है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रीय नीति भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था, इसका परिणाम है? इसका उत्तर है देसाई, ये मार्क्सवादी थे। भारतीय समाज के बारे में यह कथन किसका है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वतः है? यह कथन जो है वो ड्यूमा जी का है। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं ये। भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध स्तंत्रण व्यवस्था से परिचित है, और इनका कहना है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है। किसने ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचित विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई हैं? किसने ये कहा है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचित विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई है? ये कथन आंद्रे बिताई जी के स्तरीकरण और तुलनात्मक विधि का प्रेरणा समझा जाता है। स्तरीकरण में उन्होंने जाति व्यवस्था को नए संदर्भ में रखा, आज जातियों का राजनीतिकरण हो गया है, और अंत में यह निष्कर्ष निकलते हैं कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संचित विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मरीन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या है 65.14 मिलियन। शिकागो स्कूल में भी समानता प्रकार्यात्मक और निश्चयात्मक हो सकती है, इसका उत्तर है परिस्थितिकी दृष्टिकोण से। अमेरिका में सर्वप्रथम सन 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इस संप्रदाय के संस्थापक एल्विन स्मॉल थे। परिस्थितिकी दृष्टिकोण ने ही विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किया। यह तर्क किसने दिया कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? ये कथन सरन जी का है। जिस समाजशास्त्र वो होता है जो अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन्हीं तत्वों को अनुभाविक कहा जाता है, ये इनके खिलाफ थे। या किसका विचार है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को भी समझने के लिए इनकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? परंपराओं का अध्ययन करने के लिए डीपी मुखर्जी जी कहते हैं। मार्क्सवादी थे ये, पर खुद को मार्क्स शास्त्री कहलाना अधिक पसंद करते थे। मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपराओं के अध्ययन के लिए आवश्यक बताया है। अगर आपको भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो उनकी परंपराओं का अध्ययन जरूरी है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक जरूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।